अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 94 क्वेश्चन है कि अली पेड रुपीज़ 7000 एज ज़कात एट द रेट ऑफ 2.5% एट द एंड ऑफ ईयर, कैलकुलेट हिज सेविंग। अच्छा अब उसने बता दिया कि उसने ज़कात पे की है 7000, ठीक है 7000 ज़कात पे की है 2.5% के हिसाब से, तो उसने उसकी टोटल सेविंग कितनी थी जिसमें से उसने 7000 पे किए, तो हम करेंगे क्या, हमने करना ही है कि जो ऑप्शन है ए है, पहले उससे हम 40 को डिवाइड करेंगे कि उससे 7000 आता है कि नहीं, फिर बी को डिवाइड करेंगे 40 से, ठीक है अगर 7000 आ रहा है तो वो आंसर ठीक होगा, लेकिन नहीं आ रहा था फिर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को आप जब डिवाइड करें 40 से तो आपके पास यही ज़कात आ जाएगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। कभी कभार आप ऑप्शन से आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हैं उस तक पहुंच जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि यार यही आंसर बन रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इन लेंथ इज। अच्छा अब वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है उसके दरमियान में एक सर्कल है, ठीक है अब उन्होंने बता दिया है कि स्क्वायर का एक साइड, ये वाला साइड कह रहा हूँ, वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि यहाँ से और यहाँ तक जो पॉइंट है, ठीक है ये स्क्वायर का इस साइड से ये भी 14 सेंटीमीटर हुआ ना, तो आपको पता है यार कि डायमीटर जो है, ठीक है डायमीटर का आपको पता है ना, वो भी ये देखें स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर की इस एज को टच कर रहा है सर्कल, और इधर भी टच कर रहा है सर्कल, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो साइड है वो इक्वल है डायमीटर के सर्कल के डायमीटर के इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब है कि साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर है तो डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर ही हुआ, ठीक है तो इस डायमीटर से हमने आप रेडियस निकाल देना, डायमीटर का हमें फार्मूला पता है 2R, डायमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला है 2R, इसे हम रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस हम निकालेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इसको हमने पुट कर देना है सर्कल में, एरिया ऑफ सर्कल में, क्योंकि उसने मांगा हुआ है एरिया फाइंड करें लार्जेस्ट सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर, इसमें हमने क्या करना है 7 पुट कर देना है, 7 पुट करेंगे, ठीक है 7 पुट कर दी, अब हमने इसको पाई को भी ओपन कर देना है, पाई जो है उसको 3.414 भी कह सकते हैं और 22/7 भी कह सकते हैं, लेकिन अब हमने इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी, ये पुट करनी होगी, क्योंकि ऑप्शन में आप देख लें कोई पॉइंट वाला सीन नहीं है, कोई पाई वाला सीन नहीं है, वरना हम यहाँ यहीं पे एंड कर लेते, मतलब पाई 49 आ जाता ख़त्म क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने इसमें कोई शो ही नहीं किया हुआ, उन्होंने मतलब कि आगे तक सॉल्व किया हुआ है, तो इसका मतलब हमने ये पुट करना है, ये पुट करेंगे 7 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ये 7 और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 × 22, इससे आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर, तो ये बेसिकली फार्मूला, इसको इसका आपने याद रखना है, इसका फार्मूला है 4/3πr³, ठीक है तो अगर आपको कहा जाता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 9 और समथिंग, ठीक है तो आपने सिंपली ये फार्मूला आपको याद रहेगा, तो आपने इस r की जगह पुट कर देना है तो आपके पास आंसर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 98 हमारा ये है कि टोटल एरिया ऑफ 5 सर्कल ऑफ रेडियस r वो a है, और टोटल एरिया ऑफ 3 सर्कल ऑफ रेडियस s वो b है, अगर वो कह रहा है इफ़ a इज इक्वल टू b, इसका मतलब है कि ये जो है, ठीक है एरिया ऑफ 5 सर्कल, इसका मतलब पाई आर, ये उसकी बात कर रहा है 5πr², ठीक है 5πr² इज इक्वल टू 3
पाई एस स्क्वेयर, ये देखें फाइव पाई आर स्क्वेयर, ये वाले एरिया ठीक है, और थ्री पाई एस स्क्वेयर वो ये है, इसमें से पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे ठीक है। अब हमने निकालना है कि आर बाई एस, तो आर स्क्वेयर बाई एस स्क्वेयर को अलग कर दिया, यहाँ पे थ्री बाई फाइव आ गया, जब हम अंडर रूट लेंगे ठीक है दोनों का दोनों तरफ से, तो यहाँ आर बाई एस रह जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई अंडर रूट फाइव, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये अब देखते हैं कहाँ पे, हाँ ऑप्शन बी बन रहा है। अच्छा सबसे पहले हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो माइनस फाइव, तो ये माइनस फाइव हो जाएगा, तो ये बार जो है इसको ऑटोमेटिकली माइनस फाइव को फाइव कर देगा, तो फाइव प्लस टेन जो है वो फिफ्टीन की इक्वल है ठीक है बिल्कुल। अब हम फाइव पुट करते हैं, बी पुट करते हैं ठीक है, लेकिन ये फिर यहाँ पे टेन रह जाएगा जो इक्वल नहीं है फिफ्टीन के। अब हम टेन, ये ऑप्शन सी पुट करते हैं, टेन माइनस फाइव, तो यहाँ पे फाइव रह जाएगा, फाइव प्लस टेन फिफ्टीन, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है एक्स की ठीक है। एक तो ये रही, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है, बाकी आप पुट करें तो बाकी से 15 नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट परसेंट ऑफ 25 इज 5। अब इसकी आपने सिंपली इक्वेशन बना देनी है, एक्स परसेंट ऑफ 25 इज 5, परसेंटेज की जगह आपने 1/100 लिख देना है ठीक है। तो जब इनकी आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास x जो है वो 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बन रहा है।